आज हम बात करेंगे राइटिंग स्किल के बारे में, राइटिंग स्किल। ओके, स्पेशली आज हम बात करेंगे प्री राइटिंग स्किल के बारे में। देखिए, प्री का मतलब होता है बिफोर यानी पहले, और राइटिंग का मतलब तो आप पता ही है, लिखना। सो लिखने से पहले वाले स्किल्स आज हम सीखेंगे, लिखने से पहले वाली स्किल। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये बनते हैं, इसमें होते हैं लेटर्स यानी अल्फाबेट्स होते हैं, ए से लेके पूरा जेड तक, राइट। बट ये लेटर्स और अल्फाबेट बनते कैसे हैं, और ये बनते हैं स्ट्रोक से या लाइन से। लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मलिक सर, मैं आपके लाया हूं फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आज हम बात करेंगे प्री राइटिंग स्किल्स के बारे में। स्पेशली आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू टीच स्ट्रोक्स एंड कर्व्स टू किड्स, यानी स्ट्रोक्स और कर्व हम बच्चों को कैसे सिखाए, एंड व्हाट इज पैटर्न, पैटर्न क्या होता है और पैटर्न के कितने टाइप्स है। सो लेट्स डू इट प्रैक्टिकली ऑन फोर लाइन बुक्स। सो पैटर्न्स, पैटर्न्स बेसिकली ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू टू पार्ट्स। यू कैन सी नंबर वन लाइन पैटर्न्स, नंबर टू कर्व पैटर्न्स। लाइन पैटर्न्स जो है उसमें फाइव सब कैटेगरीज है। स्टार्ट विद नंबर वन स्टैंडिंग लाइन। यू हैव हर्ड अबाउट स्टैंडिंग लाइन, बहुत बार हमने सुना है, बहुत सिंपल है। स्टैंडिंग लाइन मीन्स लाइक दिस, स्टैंडिंग लाइन। ओके, सेकेंड इज स्लीपिंग लाइन, इट्स लाइक दिस, स्लीपिंग लाइन। थर्ड स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग दिस इज स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ओके, राइट साइड से स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट साइड पे जा रही है डाउनवर्ड, देन स्लांटिंग लाइन लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है और राइट साइड की तरफ जा रही है, स्लांटिंग लाइन। एंड नंबर फिफ्थ दैट इज zigzag लाइन, zigzag मीन्स लाइक दिस। सो हमने लाइन पैटर्न्स के फाइव कैटेगरीज देखे, सब कैटेगरीज, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड, एंड स्लांटिंग लाइन लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स, एंड zigzag लाइन लाइक दिस। अब हम देखेंगे कर्व पैटर्न्स। कर्व पैटर्न में नंबर वन आता है लेफ्ट कर्व, देन नंबर टू आता है राइट कर्व, थर्ड आता है अप कर्व, फोर्थ डाउन कर्व, एंड नंबर फिफ्थ राउंड कर्व। सो व्हाट इज लेफ्ट कर्व? देखिए, लेफ्ट कर्व नाम ही बता रहा है, लेफ्ट साइड से आता है, इट्स लाइक सी, तो लेफ्ट कर्व ऐसा होता है। ओके, लेफ्ट कर्व। देन राइट कर्व, इसका अपोजिट हो जाएगा, राइट कर्व लाइक दिस। एंड नंबर थ्री अप कर्व, अप, जैसा हमारा अप का यू है वैसा ही हमें इसे अप कर देना है, अप कर्व लाइक दिस। एंड नंबर फोर्थ डाउन कर्व, लाइक दिस, डाउन कर्व। एंड नंबर फिफ्थ राउंड कर्व, राउंड कर्व कहते हैं या फिर इसे हम सर्कल भी कह सकते हैं, इट्स सिंपल लाइक ओ और वी कैन से जीरो। ओके, सो आज हमने पैटर्न्स की टू कैटेगरीज देख ली है, लाइन पैटर्न्स एंड कर्व पैटर्न्स। आज के टॉपिक के थ्रू हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि वी यूज स्ट्रोक्स टू राइट लेटर्स एंड नंबर्स, यानी स्ट्रोक्स के थ्रू ही हम लेटर्स और नंबर्स सीखते हैं। एंड लर्निंग फॉर बिगिनर्स शुड ऑलवेज बी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वन, यानी जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है वो आसान से लेकर डिफिकल्ट पे जाना चाहिए। सो एज अ चिल्ड्रन हमने बहुत बार स्क्रिबल किया है, स्क्रिबल बिना सोचे समझे हमने बहुत बार या तो स्लेट पे लिखा है या तो बुक में लिखा है, बट बिना सोचे समझे जब हमने जब स्क्रिबल किया है तो इनडायरेक्टली हम कुछ ना कुछ लिख लेते हैं। तो यही हमारा लाइंस और पैटर्न्स है या कर्व्स है। इसको और बेटर वे में समझने के लिए आप ये टॉपिक के लिए जो प्री प्राइमरी सेक्शंस होते हैं, जैसे नर्सरी या एलकेजी जिसे हम जूनियर केजी भी कहते हैं, या यूकेजी जिसे सीनियर केजी भी कहते हैं, उसकी जो बुक्स आती है राइटिंग स्किल्स की वो आप रेफर कर सकते हैं, और उसमें जो डॉट्स के थ्रू आप फॉर्मेशन कर सकते हैं लाइंस के बारे में, तो कैसे लाइंस बनाना है, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लांटिंग और कर्व्स कैसे बनाना है,
दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू. सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज मिलते रहे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर. गुड बाय.